हेलो सर, आज हम लोग HTML का और एक प्रोग्राम देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छी तरह से रीड करने की आदत रखो, उसे किस तरह सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। राइट है, HTML फाइल कोड विथ CSS एज ए फॉलोज। HTML फाइल, HTML नहीं कर रहे हम लोग, HTML 5 ध्यान में रखना है। HTML ही आप लोग आंसर देते हो, HTML 5 ये उसका एक एडवांस वर्जन है और हम लोग सीख रहे हैं एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, वो जो वर्किंग होता है HTML 5 में। फाइल सेव करने के टाइम HTML डॉट फाइव नहीं लिखा जाता है, HTML ही लिखा जाता है डॉट HTML। हमें CSS के फॉलो करके करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, टू क्रिएट फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम एज ईमेल एड्रेस फॉर्म द यूज़र। हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, उसमें नाम रहेगा, एज रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा और यूज़र का फॉर्म है ये। क्रिएट ए सबमिट बटन टू सेंड द डेटा। एक बटन बनाएंगे जिस रीज़न से हम लोग डेटा यूज़र से कहीं और भेजेंगे। यहाँ पे कोई भी सेकेंड लिंक फाइल नहीं दी हुई है, एकदम सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, द हेडिंग ऑफ शुड बी द बैकग्राउंड कलर। कोई भी कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐसे कंपलसरी नहीं कि कोई कलर बोला हुआ है। एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। हार्ड थर्ड वाला है आपके लिए, दोनों आपसे सॉल्व हो सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टाइप करने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद HTML हेड टाइटल। टाइटल में हम लोग टाइटल देंगे, आप जो क्वेश्चन पूछा वो वही टाइटल दोगे तो बेस्ट रहेगा कि यहाँ पे फॉर्म यूज़र करके हम लोग डाल सकते हैं, मतलब टाइटल मैंने फॉर्म यूज़र भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म यूज़र करके भी डाल सकता हूँ। टाइटल लिखा, हेड लिखा। अभी ये जो CSS बोला था वो एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे कुछ भी नहीं लिखा था हमें, इनलाइन CSS हम लोग कर लेते। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इनलाइन करना है या एक्सटर्नल करना है, ऐसे कुछ भी लिखा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन ही कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने क्या किया तो यहाँ पे टाइटल बॉडी के अंदर हेड में H1, ओके, बॉडी के बाद हम लोग ने क्या किया H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर। CSS को बाहर करोगे तो भी चलेगा, स्टाइल लिखना है इक्वल टू डबल कॉमा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कलर का नाम कुछ भी दे दो। बैकग्राउंड में रेड कलर आएगा, रेड के जगह पे आप पिक कर सकते हो, रेड के जगह पे ब्लू कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो कलर दे सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पे पिंक लिख दिया, या रेड लिखना है तो रेड लिख दिया। लेकिन लिखने के टाइम डबल कॉमा देने के बाद मैंने ये जो पोर्शन है बैकग्राउंड कलर रेड तक, ये उसका एक स्टाइल हो गया, एक पार्ट हो गया ये पूरा सेंटेंस। अगर उसके पीछे बैकग्राउंड देना है तो ये पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद फॉन्ट का फैमिली और कैसे रखा हुआ है, शो लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट जो है उसका नाम आप एरियल देख सकते हो या तो काउट कर सकते हो। ये पूरा डबल कॉमा यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक एक ही वर्कआउट किया हुआ है। इसे बाहर करके रखोगे तो भी चलेगा, फॉन्ट स्टाइल दो तीन बार टाइप करते रहोगे, हर चीज़ में आप ये स्टाइल लिखने की आदत रखोगे तो भी आपका CSS का कोड ध्यान में आना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये HTML जैसे टैग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे सारी स्टाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे डबल कॉमा, यहाँ पे ये जो है इसे ब्रेक कहा जाता है। इधर से हम लोग ने ब्रेक किया, सेंटेंस ब्रेक किया, फॉन्ट फैमिली क्या दिया।
ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो हेडिंग में यहाँ पे किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये अपना तो हेडिंग फॉर्म के ऊपर, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। कहाँ पे क्या किया मैंने, H1 को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें फॉर्म बनाने के लिए बुलाए, तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा। नेम के सामने ये टैग अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इनपुट टाइप टेक्स, और उसका नाम डिफाइन किया। ये नाम के जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो प्रिंट होगा, मतलब हम लोग के स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट होगा। ये हम लोग का बॉक्स क्रिएट करेगा जहाँ पे यूज़र कैन इनपुट द डेटा, हम लोग जहाँ पे डेटा डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक ब्रेक करके 2 बार ब्रेक दिया हुआ है। फिर ईमेल आईडी, उसका भी टाइप क्या दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और नेम लिखा ईमेल या तो ई। ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई नेम है। अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, तो ईमेल के बाद अगर मुझे कुछ और लिखना है, तो एज के लिए एज लिखा हुआ है, पासवर्ड में डाल देता हूँ नीचे, चाहिए तो लिखा नहीं लेकिन मैं स्पेसिफाई डाल देता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे ईमेल में वो भी टेक्स्ट में ही टाइप होगा, मतलब ये डेटा टाइप है। नंबर रहेगा तो नंबर में टाइप होगा, टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट में टाइप होगा, डेट रहेगा तो डेट में टाइप होगा, पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड टाइप रहेगा। टाइप इनपुट टाइप, मतलब इनपुट मतलब पुट करना, और यहाँ पे कौन सा टाइप है अपना, डेटा टाइप रहेगा टेक्स्ट रहेगा। एज रहेगा, एज का भी डेटा टाइप उन्होंने क्या दिया, एज का डेटा टाइप। वहाँ पे हम लोग एज में क्या करेंगे, एज में हम लोग क्या करेंगे, एज लिखा हुआ है, टाइप नहीं लिखा हुआ है, मेल और फीमेल हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे चाहिए तो एज, एज के लिए भी हम लोग डेटा पुटअप करना है तो एज के लिए हम लोग इनपुट टाइप करके दे सकते हैं एज करके। इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एड्रेस एज भी लिखा हुआ है, तो एज पुटअप करना है तो हम लोग नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे टेक्स्ट या तो नंबर में हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप सेम कंटेंट लिख के मैं यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर चाहिए तो नंबर लिखना है तो नंबर लिख सकते हैं हम लोग, या तो टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट डाल दिया मैंने। क्योंकि नंबर क्यों नहीं डाल रहा हूँ, टेक्स्ट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि नंबर का मतलब होता है वहाँ पे कैलकुलेशन करना। एज का कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले, किसी के साथ मिलाने वाले नहीं है, किसी के साथ घटाने वाले नहीं है हम लोग। दैट मीन्स द एडिशन नहीं करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए मैंने उसे टैक्स ही रखा। और उसका नेम जो है यहाँ पे मैंने चेंज किया। ये नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट तो आएगा, लेकिन तुम लोग को एग्ज़ाम में ये लिखना इम्पोर्टेंस है। उसके बाद टाइप दिया हुआ है रेडियो बटन, और उसका रेडियो बटन में उन्होंने बुलाया है, रेडियो बटन मतलब हम लोग ऑप्शन चॉइस करेंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे रेडियो बटन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक तो मेल रेडियो बटन बनाया, उसके बाद नेम उसका मेल करके रखा हुआ है, और उसका वैल्यू ये दिया हुआ है। ये आपका डिस्प्ले होगा, ये खाली एक बटन बनाएगा वहाँ पे। ये जो चीज़ है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट, पकड़ो या ना पकड़ो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वैल्यू तो डाल ही नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। नेम डाल के वर्कआउट करना है तो वर्कआउट कर सकते हैं, या तो वैल्यू रखा है तो अभी यहाँ पे हम लोग एम करके रखा हुआ है। इनपुट टाइप रेडियो बटन फीमेल, और फीमेल के लिए भी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फीमेल करके टाइप होगा लेकिन बटन ऐसे बनेगा। तो ये टाइप दिया हुआ है, ये टाइप था टेक्स्ट का टाइप था, ये रेडियो बटन का टाइप था। रेडियो करके लिखा जाता है, रेडियो मतलब वहाँ पे खाली क्लिक करना है, एक डॉट है, हम लोग आउटपुट देखेंगे पता चलेगा। फिर रेडियो आ गया, टाइप में देखो टेक्स्ट का एक टाइप आ गया, इनपुट टाइप इनपुट टाइप इनपुट टाइप इनपुट टाइप, फिर टेक्स्ट है, डेट है, अलग अलग दिया हुआ है, रेडियो है, यहाँ पे इस तरह सबमिट है। अगर मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूँ, चलो इनपुट टाइप में यहाँ पे क्या देता हूँ, पासवर्ड करके रखना है मुझे, तो टेक्स्ट आगे लिखूँ या पीछे लिखूँ, कैसे भी, अगर मैंने इनपुट टाइप मतलब टैग बनाया मैंने, इनपुट यहाँ पे दिया मैंने टाइप इज इक्वल टू, ये दिया मैंने पासवर्ड, ना क्या दिया है पासवर्ड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम सबमिट ऐसे कुछ लिखना है, तो मैं अभी
प्रोग्राम में लिखा नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा वैसे यहाँ पे। और ये जो है भी रहेगा तो पासवर्ड, पासवर्ड का भी एक तरीका होता है, उसका भी कैसे सिंबल आना चाहिए वो देखेंगे हम लोग। लेकिन ये पासवर्ड मैं यहाँ पे लिखा है, या तो मैं इसके आगे भी लिख सकता हूँ, इतना तो हमें पता है अभी कि ये जो टेक्स्ट है ये आगे पीछे, मतलब ये प्रिंट होने वाला है, ये तो उसका फिलअप करने के लिए हम लोग को आ जाएगा। यहाँ पे इंटर टाइप दिया, फॉर्म को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया, यहाँ पे एचटीएमएल क्लोज़ किया, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, शुड द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो मैंने दिया। जहाँ पे एच वन है, हेडिंग वन किसको है, हेडिंग वन इसको ही है, हेडिंग है किसको, फॉर्म हेडिंग को, उसके पीछे बैकग्राउंड आएगा रेड किया तो पिंक। और अभी मैं फाइल को यहाँ पे इसे मैं डिलीट मारता हूँ, ये तो मेरे पास था। इसे सेव करने का तरीका ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंस है। फाइल को सेव करने के टाइम फाइल सेव एज, सेव एज में आप अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करो। अगर डेस्कटॉप में बनाना है तो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, कहीं पे भी रहेगा न्यू फोल्डर बनाने का, तो नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे ऊपर, देन राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पे अगर न्यू लिखा हुआ है, न्यू में आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। मैंने अपना फोल्डर बनाया, मैंने ओशन करके बनाया, या अपना खुद का नाम लिखो, उसके बाद ट्वेल्थ लिखो, या कुछ भी करो, या रोल नंबर डालो, अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करो। जो भी फाइल आपको रन करना है तो अपने फोल्डर के अंदर क्रिएट करो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये जो है मेरा क्या है, तो जो टाइटल दिया हुआ है वही मैं नाम दे रहा हूँ, मैंने फॉर्म करके लिख दिया, और इसे डॉट दे के HTML, ये तो डाउट क्लियर है आपका, डॉट HTML देना है। और इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप में सेव कर लिया, जैसे सेव कर लिया तो मिनिमाइज कर दिया इसे। इसे ओपन करने के लिए मेरा फोल्डर कहाँ पे बनाया हुआ है, वो फोल्डर में फाइंड आउट किया, ओशन तो मैंने 100% बनाया था, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, और इसको क्लास वन करके, ये ओशन अपना क्या था, 12 करके था, ओशन नाम है यहाँ पे खाली, ओशन 12 करके फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे मैंने डबल क्लिक किया, इसे मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, या डायरेक्टली डबल क्लिक करूँगा तो ओपन होगा। मैं ब्राउज़र फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखो पासवर्ड के लिए मैंने पासवर्ड डाला था, ये देखो पासवर्ड आया। कंटेंट देखो मेरा क्या था, यहाँ पे जो कंटेंट है ये फिलफुल हो रहा है क्या, जो क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन से फिलफुल हो रहा है क्या, वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखा था, उन्होंने दिया था कि सबमिट बटन बनाओ, बनाया मैंने, लेकिन इसका लास्ट क्वेश्चन था कि हेडर को क्या करना है, जो हेडिंग है उसके बैकग्राउंड को कलर होना चाहिए और फॉन्ट अलग होना चाहिए। तो मेरा प्रोग्राम जो रन हुआ है इसमें हेडिंग को अलग से फॉन्ट भी हो गया और हेडिंग को कलर भी हुआ है। और नेम यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, मैंने नाम टाइप किया यहाँ पे, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप किया मैंने, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे एज के लिए मैंने एज टाइप किया, मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल क्या है, ये रेडियो बटन्स है, समझ में आ रहा है, मतलब ये रेडियो बटन्स है, और इसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे तो ये डेटा कहीं यूज़र के पास जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। वापस देखो मैंने क्या किया था, HTML5 में CSS बनाना है कंपलसरी, इसके लिए डॉक, यहाँ तक तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये जो चीज़ है ये आप मेरे ख्याल से जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो 4 या 5 बार टाइप करना सीखो। आउटपुट आए ये इंपॉर्टेंट है, आउटपुट तो आप ऐसे भी निकाल लेते हो, मुझे नहीं चाहिए आपसे आउटपुट, ये सेंटेंस आपको ऐड करना है। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स है, अलग अलग स्टाइल्स में हम लोग वर्कआउट करेंगे, लेकिन स्टाइल ये किया, फॉर्म बनाया, फॉर्म तो पता है यहाँ पे कॉमन वर्ड है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप का मतलब ये ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ओके। यहाँ पे ये बटन बनाया हुआ है, वैसे यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। और रेडियो बटन मतलब क्या, रेडियो बटन ये है, इसे रेडियो बना, ये पासवर्ड इसे ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए पासवर्ड को तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप दिया हुआ है, सबमिट बटन के बाद मैंने यहाँ पे BR कर दिया।
और इसे मैंने वापस से सेव किया, सेव एज करता हूँ मंगता तो यहाँ पे सेम थिंग है, यहाँ पे डॉट मैंने HTML डाला और सेव किया। जब सेव करने के बाद जब मैं इसे वापस रन करना है तो मैंने जस्ट F5 प्रेस किया तो यहाँ पे कोड लिखा ही गया क्योंकि ऊपर का जो हेडिंग है वो आ गया, लेकिन ब्रेक तो आ गया मेरा। चलो यहाँ पे मैंने ये किया, मतलब क्वेश्चन मेरा सामने आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए एक टिप्स है कि ये चीज़ आप 3 या 4 बार टाइप करो, बाकी का सारा चीज़ आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।